डिवीजन कमिश्नर संजीव वर्मा ने सीमावर्ती जिला पुंछ दौरे के दौरान जिला में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए डिंगला में चल रहे यूनिवर्सिटी के रुके निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं उन्होंने पुंछ किला मिनी सेक्रेटरी के अलावा बेताड़ नाले का भी दौरा किया और जिला में रुके हुए विकास कार्य को जल्द पूरा करने को कहा। वहीं उन्होंने जनता की परेशानियों को देखते हुए मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी, सड़क, राशन आदि परेशानियों को जल्द खत्म करने के लिए कहा। सर मनोजमान रुके थे, चक्कर लगा रहे हैं, 5 मिनट लेंगे काम हो जाएगा। चलो अभी बिजली की सूरत हाल को देखते हुए आज कमिश्नर PHE इरीगेशन फ्लड कंट्रोल कमिश्नर पावर और पब्लिक वर्क्स भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी लंबी जो है उनका एक रिव्यू रहा यहाँ पे, उन्होंने नज़रसानी की और ऑफिसर से मुलाकात की। उन मीटिंग्स में जो है इसके दौरान मेरा भी जो रोल था फैसिलिटेशन का मैंने पूरा किया और कह सकते हैं कि लोगों की नुमाइंदगी की जहाँ जहाँ पे भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसके साथ डांगली में जो एक कैंपस बन रहा है जो कि काफ़ी देर से अभी पूरा नहीं हुआ उसकी यूनिवर्सिटी कैंपस डिंगला में, तो उसको भी पहले सुबह मैं गया था और हम कोशिश करेंगे कि उसका एक हिस्सा इमीडिएटली हम फिनिश कर पाएँ। इसमें ऐसी हिदायत हुई है जब गवर्नर साहब भी आए थे ज़िले में ये भी, क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स का मैंने किया जो एक दरीना अरसे से लोगों की डिमांड हो वो प्रोजेक्ट किसी ना किसी वजह से बैठ गए थे, चाहे आपकी चंडक द्राबा लाइन हो, चाहे लोगों को ये पॉलिटेक्निक हो, ये जो आपने डिंगला का मुझे बताया पॉलिटेक्निक, चाहे जहाँ पे आप अभी हम लोग इस टाइम खड़े हमारा रिकॉर्ड रूम है, चाहे हमारा इस पुंछ का बड़ा तारीखी ऐतिहासिक किला है, DC ऑफिस का जो ये बिल्डिंग है और रोड्स हैं, बफलियाज की रोड है, वो हिल काका तक रोड है और इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं किसी ना किसी वजह से जिनको कि उनमें ताखीर हो रही थी, उनमें डिले हो रहा था और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी आपको कुछ पेशरफ नज़र आएगी और इन जो किसी भी वजूहत से जो ये लोग प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं उनमें रफ्तारी हो। जैसे आप अभी जिक्र किया कि ये धरोहर है पूरे पुंछ की, पुंछ एक मैंने जैसे शुरू में इसको मैंने अर्ज़ किया कि पुंछ जो ज़िला है ये बड़ा हिस्टोरिकल ज़िला है और यहाँ पे आज कंटेम्प्रेरी रहा अपने ज़माने में जो चीज़ें हुई, जैसे प्रेस हो या इसमें हमारे अच्छे शायर हुए हैं, अच्छे लेखक हुए हैं यहाँ पे, और पुंछ और इसके जो मुलक्का इलाके हैं यहाँ पे पूरी दुनिया में उन्होंने अपना नाम रोशन किया और किले की जो है वो मरकज़ है पूरी हमारी जो यहाँ की सकाफत है और उसको लेके। तो अभी जैसे अब मैंने विज़िट भी किया, मैं ऑफिस खाने में गया था, कुछ रिकॉर्ड का मुआयना भी किया, तो मेरा ये मानना है कि हमारी मतलब हमें हाईएस्ट लेवल पे जो आज ऑनरेबल गवर्नर साहब का जो यहाँ दौरा हुआ उनकी हिदायत है और वो हमेशा इसको नज़रसानी इसकी मैं मान लेता हूँ कि हर रोज़ करते हैं, इसको भी हम प्रोजेक्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसका बड़ी जल्दी कोशिश करूँगा, एक्सपर्ट्स की टीम भेजूँगा, बहुत शीघ्र ही इसकी बड़ी जल्दी भेजी जाएगी ताकि जो इसमें पैसा दरकार है और ख़ासकर ये काम जो है ये बड़ा बारीकी का काम है, पैसा ये इसमें सुर्खी और चूने से बनी हुई बिल्डिंग है, कोई सीमेंटेड नहीं किया, बहुत जल्दी पैसा लगा के आप इसको जो है इसको दोबारा उसी शक्ल में लाएंगे, ये तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है लेकिन वो प्रोसेस जो है वो सिलसिला जो है वो कहीं शुरुआत उसकी होनी चाहिए, जिसके लिए हम बड़ी ख्वाह हैं सरकार पूरी और हम बड़े कीन हैं कि इसका काम जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि मैं पर्सनल तौर पर मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी हमारी जो बिल्डिंग है ये सबके लिए एक बायस फ़ख्र है, इस पूरे टाउन के लिए, पूरी स्टेट के लिए और हमारा एक हिस्टोरिकल एसेट है। जी सर, कुछ ऐसे इसके लिए भी हुई है, अनाउंसमेंट हुई और बड़ी जल्दी आपको बच्चों को खेलने के लिए स्टेडियम मिलेगा जैसे आंध्र गवर्नर साहब आए थे और इसकी भी बात हुई है, इसका भी जल्द से जल्द हम लोग केस भेज देंगे और कोशिश करेंगे कि आपका इस मिनी सेक्टर में 1-2 फ्लोर जो है वो इसकी उसको पूरा करके और इसमें DC ऑफिस शिफ्ट हो।